कहानी है गरीब कुएं, जिसको सुनने के बाद आप 100% रो पड़ोगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद 100% आप मोटिवेट हो जाओगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है फरमानी नाच। जैसा कि आप सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं कि काफी वायरल है और इनकी आवाज को लोग बेहतर पसंद करते हैं और आज इनके करोड़ों फैन बन चुके हैं। दोस्तों, फरमानी नाच का जन्म सन 1988 में एक मुजफ्फरनगर के छोटे गांव में हुआ और जो है इनकी फैमिली मेंबर की बात की जाए तो इनकी फैमिली में इनके अब्बू हैं और इनकी जो है माताजी हम बोल सकते हैं अम्मी जान, और इनकी बेटी और इनके हस्बैंड। और इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें तो इनकी लाइफ स्टाइल है भैंसियों को चारा खिलाना, कंधे पाथना, घर का वर्क करना। दोस्तों, इनका यही लाइफ स्टाइल है। और दोस्तों, ये एक गरीब महिला है जो मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती है। दोस्तों, आज हम इनकी आवाज के बारे में बात करेंगे और इनका क्या है सपना। दोस्तों, फरमानी नाच को जो है बचपन से सिंगिंग में बहुत ही इंटरेस्ट था और वे ये गाना गाने में बहुत ही इंटरेस्ट रखती थी। तो आज उनका जो एक बचपन का सपना था कि मैं एक बड़े स्टेज पर गा के अपना जो टैलेंट है लोगों को दिखाऊं, तो उन्होंने न्यूज T24 पे गा के अपने करोड़ों फैंस का दिल जीत चुकी है। दोस्तों, आज उनकी आवाज के लोग इतने दीवाने हो गए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े और बॉलीवुड के स्टार भी उनकी आवाज को बेहद पसंद करते हैं। हाल ही में दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही था कि सोशल मीडिया पर रानू मंडल काफी तेजी से वायरल हो गई थी और आज बॉलीवुड की सिंगर बन गई। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि कौन इंसान क्या से क्या बन जाए और उसकी किस्मत कहां से कहां ले जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। दोस्तों, टैलेंट एक ऐसी चीज है जिसको अमीर गरीब का बराबरी नहीं किया जा सकता। अगर इंसान के अंदर टैलेंट है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो भिखारी हो, उसका टैलेंट टैलेंट है। तो दोस्तों, आज हम जो है फरमानी नाच की कहानी के बारे में आप लोगों को बताया है। तो अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्त, फरमानी नाच आज सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और जिनका सपना है कि मैं एक बार बॉलीवुड में गा सकूं, तो वो सपना उनका जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि उनके जो आवाज को सलमान खान, आमिर खान, मनोज तिवारी सुन के बेहद पसंद किया है और उनको जल्द बॉलीवुड तक ले जाने का फैसला किया है। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी पर क्लिक कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो भाई आपको